वेलकम बैक गाइस, गुड आफ्टरनून। सो आज मैंने सुबह ही मॉर्निंग में पार्ट टू अपलोड कर दिया था जीएसटीआर 9 फॉर्म प्रिपरेशन पे, कि जीएसटीआर 9 फॉर्म कैसे बनाना है। पॉइंट 5 उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल्स कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई क्या है, नील रेटेड सप्लाई क्या है, एंड ईच एंड एवरीथिंग कि एग्जैक्टली क्रेडिट नोट कहाँ दिखाना है, अमेंडमेंट कहाँ दिखानी है, बी टू बी, बी टू सी, पार्ट 1, पार्ट 2। उन दोनों का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको। और फर्दर अपडेट्स के लिए जीएसटी 9 एनुअल रिटर्न के लिए गाइस प्लीज स्टे कनेक्टेड विद मी, कि सो दैट कि फ्यूचर में जो अपडेट आएंगी, जो एनुअल में आप लाइव दिखाऊंगा एनुअल रिटर्न का, आप वो कनेक्ट में रहो कि कैसे करना है उसको फाइल। सो आज गाइस आई विल डिस्कस विद यू द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू नीड टू डू बिफोर 31/19। दीज आर द इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स गाइस फॉर जीएसटी एंड इनकम टैक्स कंप्लायंस कैलेंडर। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो लास्ट डेट इज 31/19। सो स्टार्टेड विद बिगनिंग विद गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो फर्स्ट, अगर गाइज अगर आपकी टर्नओवर सपोज करो 1.5 करोड़ तक है, और अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हो, तो आपको गाइज 31/19 तक वो लास्ट डेट है गाइज आपको कंपोजिशन स्कीम को अप्लाई करना है। अगर वो चली जाएगी गाइज फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो आपको अप्लाई करने के लिए गाइज कंपोजिशन स्कीम के लिए CMP02 फाइल करना होता है। और वो फाइल कैसे करना है वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, बट मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ कि कहां पर वो ऑप्शन आता है। जस्ट वेट गाइज, मैं आपको दिखाता हूँ वो। गाइज आपको क्या करना है, आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करते ही गाइज आपको सर्विसेज के ऐप के में जाना है, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का बॉक्स है। तो रजिस्ट्रेशन के बॉक्स में जाके आपको ऑप्शन मिलता है, एक सेकंड गाइज मैं इसको इस सेट कर लेता हूँ सो दैट आपको दिक्कत ना हो। यहाँ गाइज तो आपको क्या करना है, सर्विसेज में जाना है, रजिस्ट्रेशन में जाना है, और अगर आपको कंपोजिशन के लिए ऑप्ट करना है गाइज तो आप इस पे क्लिक करना है। कैसे फिल करना है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। और अगर आपको कंपोजिशन से विड्रॉ करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फ्रॉम कंपोजिशन लेवी। और गाइज अगर आप कंपोजिशन लेवी में पहले अप्लाई कर लेते हो CMP02 से, उसके बाद गाइज आपको CMP03 फाइल करना होता है रिगार्डिंग स्टॉक इंटीमेशन डिटेल। वो कहाँ करना है गाइज, यहाँ पे। ठीक है गाइज, ये मैंने आपको तीनों ऑप्शन बता दिए कि सर्विसेज के सर्विसेज में जाना है, रजिस्ट्रेशन में जाना है, और आपको ये ऑप्शन क्लिक करना है जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या क्या करना है। तो यहाँ पे गाइज ऑप्शंस हैं, और इनको कैसे फिल करना है वो आप मैं फर्दर वीडियो लेकर आऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं कि हाँ एग्जैक्टली मैंने आपको दिखाया कि कहाँ पर है। तो गाइज ठीक है, अगर आपको कंपोजिशन स्कीम में जाना है, अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, तो आप ऑप्ट कर सकते हो कंपोजिशन के लिए CMP02, और इसकी लास्ट डेट 31/19 है गाइज। और जो बंदा गाइज CMP02 फाइल करता है उसके लिए मैंडेटरी होता है विद इन 90 डेज वो CMP03 फाइल करे। और ये स्टॉक इंटीमेशन, CMP03 क्या होता है, आपको स्टॉक इंटीमेशन बताता है कि आपका स्टॉक कितना है गुड्स में, फिनिश गुड्स में, WIP में, इनपुट कितना पड़ा, आपको सारी स्टॉक की डिटेल आपको CMP03 में बतानी होती है गाइज। और ये बताना होता है गाइज आपको विद इन 90 डेज। ओके गाइज, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई बंदा कंपोजिशन में ऑलरेडी है और वो विड्रॉ करना चाहता है कंपोजिशन स्कीम में, अब रीजन क्या हो सकते हैं गाइस। रीजन ये हो सकती है कि सपोज करो उसकी टर्नओवर एक्सीड कर गई है, मतलब 1.5 करोड़ से ऊपर एक्सीड कर चुकी है, या वो इंटरस्टेट सेल कर रहा है, तो दैट्स व्हाई ही और शी वॉन्ट टू ऑप्ट फॉर द रेगुलर स्कीम एंड वॉन्टेड टू विड्रॉ फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम। सो इस केस में गाइस फॉर्म कौन सा है, CMP04। इन फॉर्म की डिटेल नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं बाद में बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कोई भी। तो बट अभी जो मैं बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली फॉर्म नंबर है क्या और आपको क्या क्या एक्टिविटीज करनी है 31/19 तक। तो ठीक है गाइस, ये 3 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या, कौन सा निकल के आ रहा है हमारे पास, तो नेक्स्ट पॉइंट गाइस हमारे पास निकल के आ रहा है कि हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, क्योंकि वी ऑल नो दैट March 19 इज द लास्ट डेट फॉर क्लेमिंग ITC ऑफ मिसिंग इनवॉइसिस। तो जितने भी गाइज आपके इनवॉइस मिस हो चुके हैं 17-18 के, जिनका आपने अभी का ITC नहीं लिया हुआ, तो उसकी लास्ट डेट है 31/19 तक। आप उसको बुक करो सो दैट कि आप जब March 19 की रिटर्न फाइल करोगे अप्रैल में, तब आप इसका सो दैट कि आपको इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाए। ठीक है गाइस, आपको सारे ITC जिसके मिसिंग इनवॉइसेस के क्लेम कर लेने हैं March 19 में, और आपको बुक कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है गाइस, लास्ट डेट फॉर अमेंडमेंट ऑफ इनवॉइसेस। अब ये क्या कह रहा है, अगर आपने इनवॉइस तो बुक कर रखा है 17-18 में, बट उसमें कोई गलती है, अगर वो गलती है गाइस उसको ठीक करने की भी लास्ट डेट March 19 है। सो प्लीज गाइस आप उसको भी अभी कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अदरवाइज इसके बाद आपको बिल्कुल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि आप इसको ठीक कर पाओ। ऑल्दो यू हैव अपॉर्चुनिटी ऑफ बुकिंग योर लाइबिलिटीज, मीन्स अगर आपने लाइबिलिटी और इनवॉइस अगर आपने कोई सप्लाईज पर टैक्स पे नहीं किया है, वो आप March 19 के बाद भी कर सकते हो, बट उस केस में क्या होता है कि आपके बायर को उसका ITC क्रेडिट नहीं मिलेगा, बट आप पे कर सकते हो। ठीक है, तो बट ITC क्लेम करने का क्रेडिट, अगर आपको ITC क्लेम करना है, तो उसकी लास्ट डेट गाइस सिर्फ 31/19 है,
तो आपको उसको अभी बुक करना पड़ेगा या कोई अपने अमेंडमेंट करनी है इनवॉइसेस की जो पर्टेन करता है फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18, तो उसकी लास्ट डेट भी 31 मार्च 19 है। आई होप आपको क्लियर हुआ लास्ट डेट क्या गाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिन बंदों की गाइज जुलाई 17 से लेकर सेप्टेम्बर 18 तक अभी तक रिटर्न फाइल नहीं की, गाइज नोटिफिकेशन इसकी आ चुकी थी कि इसकी लास्ट डेट है, आप फाइल कर सकते हो 3B and 1 फ्रॉम जुलाई 17 टू सेप्टेम्बर 18 विदाउट लेट फीस बाय 31 मार्च 19। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। और नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट गाइज निकल के आ रहा है कि आपको सबको पता है जो LUT फाइल करते हैं, LUT फाइल हमें हर फाइनेंशियल ईयर के लिए अप्लाई करनी पड़ती है। सो अभी 19-20 आ रहा है गाइस, उसके लिए आपको फ्रेश LUT फाइल करनी पड़ती है सो दैट कि आप एक्सपोर्ट कर सको, SEZ को सप्लाई कर सको विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है गाइस, आपको गुड्स एंड सर्विस एक्ट में समझ में आ गया। एप्लीकेशन फाइल करने की लास्ट डेट है CMP02, और जो बंदा CMP02 फाइल करेगा वो CMP03 भी फाइल करेगा स्टॉक इंटीमेशन विद इन 90 डेज, और जो बंदा विदड्रॉ करना चाहता है कंपोजिशन स्कीम से वो CMP04 फाइल करेगा। क्यों कर रहा है वो CMP04 फाइल विदड्रॉ क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी टर्नओवर एक्सीड कर गई है या वो इंटरेस्ट रेट सेल कर रहा है। और ITC क्लेम करने का या अमेंडमेंट करने का इनवॉइसेस के जो पर्टेन करते हैं फाइनेंशियल 17-18 के, उसकी लास्ट डेट 31 मार्च 19 है गाइस। ऐसे गाइस 3B और 1 को फाइल करने की लास्ट डेट फॉर जुलाई 17 टू सेप्टेम्बर 18 विदाउट लेट फीस गाइस, विदाउट लेट फीस 31 मार्च 19 है। प्लीज बी श्योर कि आप फाइल कर दो, बिकॉज GST 9 को फाइल करने के लिए भी गाइस आपको 3B और 1 फाइल करने हैं, उसके बाद ही आप GST 9 फाइल कर सकते हो। एंड लास्ट इन केस ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST एप्लीकेशन फॉर फ्रेश LUT। सो नेक्स्ट अगले पॉइंट क्या निकल के आ रहे हैं गाइस, इनकम टैक्स के लिए गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 17-18 की अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, तो गाइस अभी 31 मार्च 19 इज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न, फॉर फाइलिंग लेट इनकम टैक्स रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18। सो गाइज नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, सेम इज द केस फॉर रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न। सो देर आर टू केस गाइज, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की 17-18 की तो उसकी लास्ट डेट 31 मार्च 19 है। अगर गाइज आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है और अगर उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं गाइज, आपको उसको कुछ ठीक करना है उसमें, तो उसको रिवाइज करने की लास्ट डेट भी गाइज फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए 31 मार्च 19 है। आई होप आप रिलेट कर रहे हो चीजों की, क्या चीज है समझ में आ रहा है आपको। और गाइज ये जो चीज है ये उन बंदों के लिए जिन्होंने सपोज करो आपको रेंट रेंट जैसे आप पे करते हो गाइज, अगर वो 50,000 या 50,000 से अबव है, तो उस केस में गाइज आपको लास्ट डेट है, आपको टैक्स डिडक्ट करके जमा करवाना है 30th मार्च 19 का। जैसे सपोज करो आपने फेब 19 में कोई TDS डिडक्ट कर लिया इसका आपने, क्योंकि 50,000 से ज्यादा रेंट रेंट पे किया हुआ, तो सो दैट यू विल बी लायबल टू डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 194IB। सो आपको वहां पर 50,000 के ऊपर, 50,000 से अगर आप रेंट एक्सीड करते हो, आपको TDS जमा करवाना पड़ेगा बाय 30th मार्च 19। ऐसी 194IA क्या गाइस, अगर आप इमोबाइल प्रॉपर्टी परचेज करते हो और उसके उसकी अगर कंसिडरेशन 50 लाख से अबव है, तो आपको TDS डिडक्ट करना पड़ता है 194IA में, तो उसको आपको डिपोजिट करने की डेट 30th मार्च 19 है। तो आप प्लीज टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। और लास्ट क्या निकल के आ रहा है गाइज, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको रिफंड लेना गाइज इनकम टैक्स में, वो तभी पॉसिबल होगा अगर आप अपना आधार और पैन लिंक कर लोगे और अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स प्री वैलिडेट कर दोगे। अब प्री वैलिडेट कैसे करनी है बैंक अकाउंट डिटेल्स, इसका भी मैं लिंक अपना इस वीडियो का लिंक मैं अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप देख सकते हो। कोई भी क्वेरी हो गाइज आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड प्लीज बी ट्यून एंड बी कनेक्ट विद मी फॉर फर्दर अपडेट्स ऑन GST 9 एंड GST एनुअल रिटर्न एंड हाउ टू फाइल LUT एंड हाउ टू फिल CMP 02, 03, 04। सो गाइज थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो अब आप सब्सक्राइब जरूर करना गाइज फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू गाइज।